आज के सेशन का टॉपिक है परचेस ऑर्डर। कैसे हम किसी सामान को ऑर्डर करते हैं, फिर उसको रिसीव करते हैं, और उसमें कुछ अगर डिफेक्ट निकल गया, खराब माल निकल गया, तो उसको हम रिजेक्शन आउट भी करते हैं, और उसमें फाइनली रिजेक्शन आउट करने के बाद जितना सामान बचता है उसको हम परचेस कर लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमें F11 करना हो और F2 प्रेस करना हो, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें यस करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको हमने यस किया, और नीचे में आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस किया, इसको भी हमने यस कर लिया। इनमें से जितने भी ऑर्डर वाले ऑप्शन हैं हम सबको यस कर लेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन है डेबिट क्रेडिट नोट्स, इसको यस कर लिया हमने, तो यहाँ पर हमने ट्रैकिंग नंबर यस कर लिया। हालांकि इसमें कुछ सेल वाले भी होंगे तो अभी उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी हमने सबको यस कर लिया। सेव करने के बाद हम वापस जाएंगे, अकाउंट को ओपन करने के बाद हमें प्रेस करना होगा अल्ट के साथ F4 बटन, हमें मिलेगा यहाँ पर परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर के अंतर्गत हमें पार्टी का नाम देना होता है, किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है, उसके समय में पार्टी का नाम देना है, तो अल्ट साथ सी हमने किया, हम यहाँ बना लेते हैं कम्युनिकेशन, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं फिलहाल ऑर्डर के लिए, सिंडिकेटर दिया, और हम इसको सेव भी करना होगा, सेव कर लिया, एक हमारे पास लेजर रेडी हो गया। यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है तो ऑर्डर नंबर कौन सा, ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे, ऑर्डर नंबर 01 के नाम से, और अल्टीसल सी करके परचेस अकाउंट बना लेंगे। परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट, और इस इसको हमें यहाँ पे सेव करना, कंट्रोल ए कर देंगे सेव हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आइटम है जिसे हम यहाँ पर मोबाइल फोन ऑर्डर कर रहे हैं, और सी किया हमें, हमने यहाँ बना लिया सैमसंग, सॉरी सैमसंग का 17, इसको अल्ट्रा सी करके यहाँ पर करने का सेल फोन, और इसको हम खरीद रहे हैं 30 में, यहाँ पर लिख देंगे इसका फॉर्मल है, और हम सेलेक्ट करते हैं 30। और इसको हमें यहाँ लिखा हुआ एनेबल कॉस्ट ट्रैक इंक्रीज करना, इसको सेव कर लेना। यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर ऑर्डर आप लेते हो तो कब आपको माल देना है, तो उसके उसके लिए हमें क्या करना है, ड्यू डेट, तो यहाँ पे हम ड्यू डेट दे सकते हैं कि 2 दिन बाद में देना है। और लोकेशन की बात होती है तो लोकेशन क्या, अगर आप लोकेशन देना चाहते हो तो लोकेशन भी दे सकते हो, जिसे हम कहते हैं गोडाउन, अगर नहीं तो कोई नहीं, आप उसको नेक्स्ट कर लीजिए। क्वांटिटी की बात हो रही है, हमने 100 पीस ऑर्डर दिया, हम यहाँ पर रेट की बात नहीं करेंगे, अब ख्याल रखिएगा ध्यान से, हमें बात करनी है ट्रैकिंग नंबर की और क्वांटिटी की, कितनी, तो हम यहाँ पे न्यू नंबर करते हैं, और हमने बोल दिया ट्रैकिंग नंबर बना लिया, एक ट्रैकिंग 01, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कोई रेट नहीं देना है, ठीक है, बीइंग ऑर्डर हम इसको सेव किया। नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारे पास रिसीप्ट नोट, उसको ऑर्डर दिया अब वो रिसीप्ट होगा, रिसीप्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F9, और ये हमारे पास बिल नंबर मिला, बिल नंबर दिया, और रॉयन कम्युनिकेशन से हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर नंबर जो हमने ऑर्डर दिया था 1 तारीख को, और इसको सेव करके हम नीचे आएंगे,
और यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है ट्रैकिंग नंबर, तो ट्रैकिंग नंबर को हम देख लेंगे और ऑर्डर नंबर को हम सेट करेंगे वैसे ही का वैसे। ये वो दिख रहा है 2 दिन बाद देना है सामान, ठीक है। तो हम 100 पीस इसका इसको हम रिसीव कर लेते हैं अच्छे से और इसको हमें सेव करना है। तो यहाँ लिख दीजिए ऑर्डर रिसीव हो चुका, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा अल्ट के साथ F6, अल्ट के साथ F6 करेंगे। यहाँ पे हमें अगर सामान में चाहिए डिफेक्ट आ गया या हमें वापस करना है तो हम रिजेक्शन नोट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें प्रेस करना है पार्टी का नाम और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। देखिए हमारे पास दिख रहा है सैमसंग O7 का 100 पीस है और हम उसका ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे। हमें कितना पीस वापस करना है वो डिसाइड करते हैं, जैसे हमें 10 पीस वापस करना है तो हम इसको सेव कर लेंगे। यस, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 पीस हम यहाँ पे वापस कर रहे हैं, ठीक है। हमें इसको सेव करना है, देख सकते हैं हम 10 पीसेस यहाँ पास 10 पीसेस रिजेक्शन आउट, हमें सेव कर दिया। तो फाइनली हमें करना क्या है, फाइनली अब हमें उस सामान को परचेज करना है तो हमें प्रेस करना होगा F9। F9 प्रेस करके हम बिल नंबर देंगे और अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन से हम सामान खरीद सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे। यहाँ बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं 90 पीस बचा, 100 पीस वापस ऑलरेडी हो चुका। अब इसका हम रेट लगा सकते हैं, जैसे हमें 7500 रुपये में इसको खरीदें, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। फाइनली हमने खरीद लिया 7500 रुपये से और यहाँ लिख सकते हैं हम बीइंग परचेस आइटम ऑन क्रेडिट, इसको हम सेव कर लेंगे। ये हमारा परचेस ऑर्डर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जिसे हमने परचेस किया है उस पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमें पेमेंट करना है 6,75,000 रुपये। हालांकि हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, हम तो परचेस कर रहे हैं, बैलेंस होगा तो ये थोड़ा बैंक भी मिल सकता है कि यहाँ पे आप दिख जाएगा। अब इसे आप यूज़ करिएगा, पेंडिंग बिल आपको मिल जाएगा और इसको आप कैश के माध्यम से पे कर दो, बैंक के माध्यम से, बस कंडीशन है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आप बना लो SBI अकाउंट। सेव कर दिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड बैलेंस, ठीक है, यानी नेगेटिव बैलेंस होता है, यानी आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। कोई बात नहीं, सेव कर लेंगे। जब सेव हो जाए अब इस चीज को हमें देखना है, डबल डी प्रेस करेंगे DD वो आ जाएगा। यहाँ पर हम इसका थोड़ा रिकॉर्ड देख सकते हैं,